हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं रेडियम सर लेके आ रहा हूँ तुम्हारे लिए नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, तुम्हें समझ में आएगा अच्छे से। मैंने एक ग्लास में कुछ पानी लिया और इसके अंदर थोड़ा चीनी मिलाया, डिसॉल्यूशन हुआ, डिसॉल्व हुआ और शरबत बन गया। तो यहाँ पे पानी जो है वो सॉल्वेंट है, चीनी जो है वो सॉल्यूट है और जो शरबत हो गया बेटा वो हो गया सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन का जो शरबत हम पीते हैं, तो हो सकता है हमें ज़्यादा मीठा लगा हो सकता है हमें कम मीठा लगा हो। तो ये जो ज़्यादा मीठा और कम मीठा होना, इस चीज़ को बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो आज के क्लास में हम लोग उसी कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन। अच्छा, देखा जाए तो कंसंट्रेशन दो टाइप का है बेटा, लेकिन आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोलारिटी और एक पढ़ने वाले हैं मोलालिटी। ये दोनों चीज पढ़ने वाले हैं, एक हुआ मोलालिटी और एक हुआ मोलारिटी एंड मोलालिटी। मोलारिटी का मतलब होता है इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of solution। 1 liter solution में कितना मोल सॉल्यूट है। तो मोलालिटी क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये 1 liter पानी में, 1 liter सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट है और यहां पे 1 liter पानी और एनी सॉल्वेंट में कितना मोल ऑफ सॉल्यूट है। दोनों में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, बस इसमें 1 liter सॉल्यूशन में कितना होगा मोल ऑफ सॉल्यूट, इसमें 1 kg पानी में और 1 kg सॉल्वेंट में कितना होगा सॉल्यूट, उससे हमारा मोलारिटी एंड मोलालिटी निकलता है। तो अगर हम देखेंगे यहां पे इसका फॉर्मूला, सो मोलारिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हुआ इसका फॉर्मूला। सिमिलरली अगर मोलालिटी का फॉर्मूला देखा जाए बेटा, सो मोलालिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो हम लोग लास्ट क्लास पढ़ चुके हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, फ्रॉम द गिवन मास बाय मोलर मास इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हम यहां पे क्या करने वाले हैं देखो, सो मैंने लिखा W ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये किसके लिए लिखा मैं, ये सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए लिखा, मतलब न्यूमरेटर के लिए। तो अगर मैं डिनोमिनेटर देखूं, अगर डिनोमिनेटर ऑफ जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, लेट ये ml में गिवन होता, लेट ये ml में गिवन होता, अगर हम इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो हम यहां पे क्या करेंगे, 1000 डिवाइड करेंगे। तो अगर ये फ्रैक्शन को फिर से सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो क्या हो गया देखो, w ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो इसका भी ऐसा ही फॉर्मूला निकाला जा सकता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी ऐसा ही होगा, W ऑफ सॉल्यूट बाय M ऑफ सॉल्यूट। एंड W ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अगर होगा तो 1000 डिवाइड करने से केजी हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वो 1000 चला जाएगा ऊपर जैसे यहां पे गया। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा फाइनल बताओ, फाइनल हो जाएगा बेटा W ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। सो देख लो दोनों फॉर्मूला, दोनों, तो ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है। तो मोलारिटी निकालने के लिए हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट जरूरत है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर चाहिए। या तो हम ऐसा कर सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास सॉल्यूट कैसे निकालेंगे अगर फॉर्मूला पता है तो, देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में चाहिए। तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला ऑल्सो।
लेकिन यहां पे अगर हम आते हैं तो यहां पे क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज वेट ऑफ सॉल्यूट इन 2000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन टू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। सो बोथ द फॉर्मूला वी कैन यूज, जैसे क्वेश्चन में गिवेंस है उस हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी आते हैं बेटा इसका यूनिट के तरफ, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है बेटा कैपिटल एम, और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है स्मॉल एम, इसका यूनिट होता है कैपिटल एम, इसका यूनिट होता है स्मॉल एम। तो आज के बाद अगर तुम्हें कोई पूछता है क्या केमिस्ट्री में कैपिटल एम और स्मॉल एम सेम है, तो बोलोगे नहीं, कैपिटल एम स्टैंड्स फॉर मोलारिटी और स्मॉल एम स्टैंड्स फॉर मोलारिटी। बाद में जनरली स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कैपिटल एम किसके लिए और स्मॉल एम किसके लिए। हम इसको कैपिटल एम बोलेंगे, इसको क्या बोल सकते हैं, स्मॉल एम और लिटिल एम। देखो यहां पे जो तीन लेटर है, देख लो क्या लिटिल के साथ रिलेटेड है, लिटिल, लिटिल का स्पेलिंग देख लो, LIT देख लो। तो जहां पे LIT है यहां पे देखो RIT है, यहां पे LIT है, जहां पे LIT स्टैंड्स फॉर लिटिल और यहां पे लिटिल और स्मॉल एम, तो कभी तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो या तो मोलारिटी है या तो मोलालिटी है, मोलारिटी मतलब यूनिट क्या है कैपिटल एम, और मोलालिटी क्या है यूनिट क्या है स्मॉल एम। तो आगे चल के तुम्हें क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए मैं थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूं। तो कैपिटल एम के जो है मोलारिटी के लिए और स्मॉल एम मोलालिटी के लिए, क्यों, यहां से LIT देख लो, LIT स्टैंड्स फॉर लिटिल, लिटिल स्टैंड्स फॉर स्मॉल, स्मॉल एम जो है वो मोलालिटी का है। अच्छा, इसका दूसरा यूनिट हम क्या ले सकते हैं, देखो यहां पे ये क्या हुआ, ये मोल्स हुआ, ये लीटर हुआ, इसका यूनिट क्या है मोल है, इसका यूनिट क्या है लीटर है, तो हम क्या बोल सकते हैं, मोल्स पर लीटर, या तो मोल्स पर मीटर क्यूब, ये बोल सकते हैं। यहां पे इसको और क्या में बोल सकते हैं बताओ, मोल्स पर केजी, यहां पे ये मोल है यहां पे केजी। तो ये दोनों के अंदर से मोलारिटी और मोलालिटी में से एक का वॉल्यूम है और एक मोल है, यहां पे एक वेट ऑफ सॉल्वेंट है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। तो क्योंकि ये दोनों जो है मास डिपेंडेंट है और दोनों के मतलब ये फॉर्मूला में दोनों जो है वो मास रिलेटेड है, तो इसीलिए अगर टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए दिस मोलालिटी विल बी अनअफेक्टेड। लेकिन अगर हम बात करें मोलारिटी का, यहां पर वॉल्यूम है, सो दिस कैन बी अफेक्टेड विथ चेंज इन टेम्परेचर। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे देखेंगे। सो यहां पे अभी इसका काम आता है न्यूमेरिकल का। ये हो गया फॉर्मूला, तो क्या फॉर्मूला हो गया बताओ, पहला फॉर्मूला हो गया मोलारिटी का, जिसका दो फॉर्मूला हम देखें, एक तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सेकेंड है मोलालिटी का जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इसका दूसरा फॉर्मूला ही बताया गया। तो अभी स्टार्ट करते हैं बेटा इसका न्यूमेरिकल, कैसे इसका न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाए, स्टार्ट करता हूं मैं। तो यहां पे मैंने लिखा 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट विल बी द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये हुआ क्वेश्चन, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट विल बी द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलालिटी कैसे निकालेंगे, कैसे करोगे, सबसे पहले बेटा हम यहां पे लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां पे लिखेंगे गिवन, और यहां पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे आंसर का स्टार्टिंग करेंगे या सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा फॉर्मूला, एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, तुम्हें क्या समझ में आया, ग्लूकोज जो है वो सॉल्यूट है जिसका मास 90 ग्राम दिया, और 500 ग्राम ऑफ वाटर मींस वाटर इज द सॉल्वेंट और उसका जो मास है वो 500 ग्राम दिया। अगर ग्लूकोज दे दिया तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी आ जाएगा, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, मोलालिटी पूछा है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला ही लिखा जाएगा, और किसका फॉर्मूला लिखोगे, मोलालिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट
इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, यही फॉर्मूला है। तो हमें यहां पे ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए, और यहां पे हमें देख लो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो हम मैं यहां पे पहले लिख दूं बेटा, ग्लूकोज जो है वो है सॉल्यूट और वाटर जो है यहां पे है सॉल्वेंट। तो डायरेक्टली जो हमें यहां पे चाहिए तो वही डायरेक्टली लिखा जाए, वो है वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू 90 ग्राम। देखो 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिया और ग्लूकोज जो है सॉल्यूट वही है, तो हम यहां पे वेट ऑफ सॉल्यूट करके पूरा लिखने का जरूरत नहीं, सिंबलिकल लिखेंगे जो हमें चाहिए। अगर सॉल्यूट का नाम ग्लूकोज दे दिया, मोलर मास C6H12O6, तो फिर मोलर मास ऑफ ग्लूकोज विल बी 180 ग्राम। हमें ये चाहिए था, ये चाहिए था, दोनों आ चुका है। अभी हुआ बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहां पे कौन है, वाटर है, वाटर कितना ग्राम दिया है 500 ग्राम। सब कुछ तो दे दिया, अभी क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। सो यहां पे हो जाएगा बेटा 90 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 500। अच्छा यूनिट क्या है, स्मॉल है, पढ़ चुके हैं हम। तो ये 90 बाई 180 ये 2 हो गया, 1000 बाई 500 यहां पे 2 हो गया, फिर ये 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या हो गया 1 m, और इसको हम क्या बोलते हैं 1 मोलाल, हम इसको 1 मोलाल भी बोल सकते हैं, है ना, आसान। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी आसान सवाल रहता है ये, तो लेवल 1 दिया, धीरे धीरे हम लेवल 2 लेवल 3 पे भी चलेंगे क्वेश्चंस पे, ये लेवल 1 ही है। पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। क्वेश्चन में देख लो क्या पूछा है, मोलारिटी पूछा या मोलालिटी पूछा, उस हिसाब से पहले फॉर्मूला लिख लो। तो कभी कभी हमें डायरेक्ट जो वैल्यू चाहिए होता है वो डायरेक्ट गिवन होता है क्वेश्चन में, तो उसको हम डायरेक्ट पुट कर लेंगे, वो लेवल 1 ही हुआ। पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। कभी कभी हमें डायरेक्ट वैल्यूज गिवन नहीं होता है, तो हमें इसको निकालना होता है और ढूंढना होता है वो कहां पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं बेटा, मैंने लिखा 45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म 800 ml ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन मैंने क्या दिया था, मोलारिटी, वहां पे वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए था हमें, यहां पे मोलारिटी है, यहां पे क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। दो फॉर्मूला अगर देखोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 दोनों में है न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दोनों में है, इनटू मतलब जो फोर्थ पैरामीटर होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मोलारिटी में, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मोलारिटी में। तो क्या करेंगे, हाँ पहले क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, और यहां पे फॉर्मूला किसका लिखेंगे, मोलारिटी का। कितना है जी बताओ, मोलारिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ये होता है। सो ऑब्वियसली हमें ये 4 पैरामीटर चाहिए ही चाहिए, तो देख लेते हैं, ग्लूकोज इज द सॉल्यूट, तो डायरेक्टली वी कैन राइट वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू 45 ग्राम। अगेन ग्लूकोज इज गिवन, सो द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट और ग्लूकोज विल बी 180 ग्राम। देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इट इज ऑल्सो डायरेक्टली गिवन, सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज टू फॉर्म 800 ml ऑफ सॉल्यूशन, so it is 800 ml. Now obviously it's a type of level 1 question, because all the three variables are given in the question. Weight of solute is given, molar mass of solute is given, volume of solution is given. What we will do, simply put the formula, get the answer type.
So 45 into 1000 divided by 180 into 800 और यहाँ पे यूनिट क्या होगा बेटा, यहाँ पे यूनिट होगा कैपिटल एम। तो डिवाइड करेंगे, ये 45 से डायरेक्टली कैंसिल करते हैं ये 4 आ जाएगा, और यहाँ पे इसको 200 से कैंसिल करते हैं तो ये 5 आ गया और ये 4 आ गया। तो ये न्यूमरेटर में हुआ 5, डिनोमेटर में हुआ 16, 4 into 4, 4 4 16 और कैपिटल एम। दिस आंसर क्लियर हुआ सबको, है ना आसान सवाल। चलो सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये सारे हो गए बेटा, दोनों क्वेश्चन हम लोग किए, एक मोलारिटी निकाले और एक मोलालिटी निकाले। और यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं मोलारिटी और मोलालिटी में, क्योंकि दोनों का जो नाम है वो काफी सिमिलर है। बस तुम्हें ध्यान देना है, जो मोलालिटी है वो स्मॉल एम उसका यूनिट, और जो मोलारिटी है उसका यूनिट कैपिटल एम है। इसको छोड़ के और क्या करना है, मोलारिटी इज रिलेटेड विद द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेयर एज मोलालिटी इज रिलेटेड विद द वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये हमें फॉर्मूला, जो देखो जब दो चीज में काफी सिमिलैरिटी है, जैसे मोलारिटी मोलालिटी नाम में भी काफी सिमिलैरिटी, एक लेटर का ही अंतर है, इसमें आर है उसमें एल है, मोलारिटी आर आई टी वाई एंड मोलालिटी एल आई टी वाई, एक लेटर का ही अंतर है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, दोनों का फॉर्मूला देखेंगे और उसमें जो सिमिलर है वो पहले इसको याद रख लेते हैं और उसके बाद बाकी जो डिफर कर रहा है उसी को याद करेंगे। सो वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 होल डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये दोनों में है। तो न्यूमरेटर में दोनों का पूरा सेम और डिनोमिनेटर में एक वेरिएबल भी सेम है, जैसे नंबर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 दोनों का न्यूमरेटर में है, होल डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दोनों में है। एक्स्ट्रा क्या है, मोलारिटी के केस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में ले रहे हैं और मोलालिटी के केस में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम में ले रहे हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.2 ग्राम पर सीसी। फाइंड आउट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, फाइंड आउट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्या करेंगे, सही जा रहे हो, गिवन लिखेंगे और यहां पे क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला में पूछा यहां पे बेटा मोलारिटी, क्या पूछा है मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, तो मोलर सर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि ये मोलारिटी है, यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आने वाला है। सो वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 होल डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो लिखते हैं इसको। तो यहां पे मैंने लिखा बेटा फॉर्मूला फॉर मोलारिटी, विच इज वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। वेट ऑफ सॉल्यूट देख लो, सॉल्यूट कौन है, यूरिया है, 30 ग्राम दिया। देन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 60 ग्राम है। तुम बोलोगे सर कैसे हुआ, अगर मैं यूरिया लिखूं बेटा यहां पे यूरिया, तो यूरिया का फॉर्मूला है NH2C11O NH2, ये है यूरिया का फॉर्मूला। तो यहां पे अगर हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, फिर हाइड्रोजन का ऐड करोगे तब तो मोलर मास आएगा ना, और वो 60 ग्राम आएगा। तो डायरेक्टली मैंने यहां पे 60 ग्राम ले लिया। सो वेट ऑफ सॉल्यूट 30 ग्राम दिया, क्योंकि यूरिया दिया इसलिए मोलर मास फॉर्मूला ये है, मोलर मास 60 ग्राम है। डिजॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, तो 500 ग्राम मींस वेट है और वाटर मतलब सॉल्वेंट है। तो हम क्या करेंगे,
W ऑफ सॉल्वेंट लिख लेंगे, और वो भी कितना हो गया बेटा, 500 ग्राम हो गया। लेकिन यहां पे ध्यान से देखें सब लोग, वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए था है 30 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए था है 60 ग्राम, लेकिन हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए एमएल में, लेकिन यहां पे क्या आया, वॉल्यूम नहीं आया ना तो सॉल्यूशन का भी आया, वॉल्यूम भी नहीं आया, यहां पे वेट आया, सॉल्यूशन का चाहिए था ये सॉल्वेंट का है, तो क्या करें, डेटा इनसफिशिएंट है, क्वेश्चन गलत है, नहीं है, तो इसका मतलब जो हमें चाहिए वो नहीं है, और जो हमें नहीं चाहिए डायरेक्टली वो दिया है, तो क्वेश्चन आता है क्या और कुछ दिया है, देख लेते हैं। डेंसिटी ऑफ दिस किसका है, सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी, मतलब ये जो डेंसिटी दिया, डेंसिटी का सिंबल तुम जानते हो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या दे दिया, 1.2 ग्राम पर सीसी। तुम बोलोगे सर सीसी क्या होता है, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सीसी इक्वल्स टू 1 एमएल। तो यहां पे बेटा हमें चाहिए, यहां पे हमें चाहिए वॉल्यूम, यहां पे दिया है वेट, तो हमें जब वॉल्यूम को वेट में कन्वर्ट करना हो और वेट को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना हो तो फिर हमें डेंसिटी का हेल्प लेना पड़ेगा। तुम स्कूल लेवल से पढ़े होंगे डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम, और मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूं केमिस्ट्री में मास जो होता है वेट वही होता है, कभी कभी मास यूज कर रहा हूं टर्म, कभी कभी मैं वेट यूज कर रहा हूं, डोंट बी कंफ्यूज्ड, बोथ आर इक्वल इन केमिस्ट्री। सो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू, देखो यहां पे क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देख लो हमें ये दोनों चाहिए था, मिल चुका है, हमें ये चाहिए था लेकिन ये तो डायरेक्टली दिया नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला में देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया, हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में से अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है, डेंसिटी तो पता है ही, तो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं क्या लिखा, देख लो मैं यहां पे लिखा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम यहां तो डेंसिटी यहां, सो वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया 1.2। तो हमें हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम को मैं यहां पे लाया तो 1.2 यहां पे लाया, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन है क्या, तुम बोलोगे सर 500 नहीं है। देखो अगर मैं एक ग्लास में पानी लिया, 100 ग्राम पानी, उसमें 10 ग्राम चीनी ऐड किया, तो 100 ग्राम जो है वेट ऑफ सॉल्वेंट है और 10 ग्राम जो है वेट ऑफ सॉल्यूट है, लेकिन अगर हम सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं बेटा तो शरबत है। अगर मैं 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम चीनी ऐड किया, मिला दिया, शरबत बना दिया, लो पियो, तो क्या होगा इसका, क्या बोलते हैं उसको, शरबत बोलते हैं ना, शरबत ही तो होता है सॉल्यूशन। तो यहां पे जो मास दिया है सॉल्वेंट का मास दिया, और हमें चाहिए किसका, सॉल्यूशन का। जैसे पानी चीनी मिलके होता है शरबत, मतलब सॉल्वेंट सॉल्यूट मिलके होता है सॉल्यूशन, तो हमें यहां पे चाहिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास। तो क्या होगा, सॉल्वेंट का मास 500 ग्राम प्लस सॉल्यूट का मास 30 ग्राम। समझ में आ रहा है ना, हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, ये जो दिया है 500 ग्राम ये सॉल्वेंट का है, हमें शरबत का मास चाहिए। एग्जांपल दे रहा हूं, यूरिया से शरबत नहीं बनता है। तो ये हो गया कितना हो गया बेटा, ये हो गया 530 ग्राम, है ना, हो गया ना। अच्छा यहां पे तो डिवाइड करना ही भूल ही गए हम, तो 1.2, तो 1.2 करेंगे, तो यहां पे भी 1.2 करेंगे बेटा, और ये क्या हो जाएगा, यहां पे 530 ग्राम और ये 1.2 ग्राम पर सीसी और एमएल, तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा बेटा एमएल। अभी करना क्या है, पुट कर लो यहां पे बस वैल्यूज, वेट ऑफ सॉल्यूट 30 ग्राम इंटू 1000, डन, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 60 ग्राम, और यहां पे क्या होगा, देखो वॉल्यूम सॉल्यूशन ये हो जाएगा बेटा 530 डिवाइडेड बाय 1.2, इसका यूनिट जो है मोलारिटी है तो कैपिटल एम है, सॉल्व करोगे ये तुम्हारा काम। सबको क्लियर हुआ, तो आज तो टाइम हो गया बेटा, आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस मोलारिटी और मोलालिटी के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट चीज जानेंगे और थोड़ा हायर लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तब तक बाय बाय ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट फर्दर अपडेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर वीडियोज़।